जी कार्डियोलॉजी सेंटर पहुंच गए जी। आप जो पहन दिए अचानक तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वास्ते से हम जाकर चेक करा आइए। वाला खोलने लगे हम, भाई बाबा आ गए और आंटी साथ में आई है। ये देखो आ गया, अंदर बाबा आ गए। आप सब्जी लैके दे के मैं दोनों घर छोड़ रही है, तो इन्होंने मगर खाना बनाया। मैं नहीं पता किस तरीके बनाया, किस तरीके भी नहीं बनाया, कंप्लीट मैं दस तो सही। मेरी अपनी तबीयत खराब सी, तो मैं सोचा कि चलो मैं जाके रेस्ट कर दी हाँ, चलो मैं अज मेरा दिन वा, तो चलो मैं नमाज वगैरह पढ़ाँगी। कोई यार सी सूरत पढ़ लेनी है कि मेरा बुरा कमा गया। मैं घर आ गई हाँ, इन्होंने खाना वगैरह बनाया, इन्होंने दसिया नहीं कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब आ, तो मैं इधरों खाना वगैरह ला के बच्चे जैन दे हाथी इधर आ गया खाना ना लैने खाना खाता। मेरी बेटी बड़ी दिल ना यकदम जिम्मे एक बार बहला जहाँ नहीं उठता, यकदम दिन और बहला उठा वा। जैन ने अलग इधर ही चाय बनाई है, सिलंडर छोटे से गैस पाया, जैन ने चाय बनाई है। जैन के पापा ने खाना खा लिया, मैं रोटी भी नहीं पूरी तरीके ने खाधी ना। चाय से मैं दो घुटा भरी, मैं रोटी खाने दिल नहीं किया, मैं चाय से दो घुटा भरी वा, तो मेरा दिल किया यकदम दिल काला पैन लग गया ना। तो मैं उस तरह उठी हाँ, कहते ना जो बंद दुख तकलीफ होता बंद मतलब खिंच पैंती है, तो मैं चाय का कप उ रखा वा, तो मैं फटाफट आप चली गई। पिछले आज नहीं मारते रह गए की गल है की गल रुक जाए, तेरे नाल चलता वा। तो मैं क्या तुम चाय पीने में देर ला देना, मैंने पता नहीं मैं दिल करता कला पै रहा मैं जावा उधर अगे क्योंकि आपके तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब ना। मैंने उन्होंने जाकर बुलाया वा, तो इन्होंने बोलिया नहीं जा रहा, बस अपने काम तो होया खाना खा रहा है। तो मैं जाकर पूछा वा कहीं काम शाम का पूछा वा, तो कहना ठीक है, तो मम्मी गई मैं तेन की होया तेरे को बोलिया नहीं गया। कहती मेरे ना बहुत ज़्यादा मेरी दर बाजू च दर्द वा, तो इदा आता जो मेरे दिल से गंदी चुभ पैंती है बहुत ज़्यादा, कहीं शरीर किस्म की ना। अच्छा ना परेशान हो गई मूँह देख के ना, जो मैं जाकर मैं उठ के बह तो सही बह नहीं हो रहा, मैं लग्या कि ज़्यादा तबीयत खराब ना। मैं उत्थे खड़ी ना बस मैं पूरे उत्थे फिर उत्थे भी मैं सुकून आया। मैं जैन पापा ने थोड़ा बाहर निकली है, मैं उन्होंने कॉल की मैं इस तरह करो आपदा नहीं लै जाओ, आपका ही ज़्यादा तबीयत खराब आ। जो मैं तो नहीं जरा जिदा मतलब मेरी कमर का मसला बनया, मैं जानी है मोटरसाइकिल से, लेकिन रात के टाइम तू जंप वगैरह वगैरह होंगे ना, फिर ज्यादा तौर पर मेरे जैन पापा करता नहीं, मेरी अपनी भी इसी तबीयत अफसैप से इन्होंने फिर नहीं मैं नाल करा ना। फिर तबसम बेटे नाल भेजा वा, तबसम नाल चले गया वा, तो चैक करा के हूँ इन्होंने वापसी लैके आया वा। तो पूछ रहे इन्होंने को की गल बात आ, की होया वा, की बनया वा। असं जो इतों लैके गए ना उत्थे ठीक है, साढ़े को इतने बहुत वही सहूलियत है, चौधरी परवेज लेक क्रियालॉजी है जी, होस्पिटल देता चौधरी परवेज लेक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रियालॉजी मुल्तान, उत्थे सरकारी होस्पिटल है, उत्थे वीडियो दुकान की इजाजत कोई नहीं, इस वास्ते असं अंदर की वीडियो नहीं बना सके, तो असं उत्थे गए सीधे असं गए एमरजेंसी लै गए। उत्थे जाके उन्होंने चेक कराया, उन्होंने कहा तुम पर्ची बनाओ, पर्ची बनवा के सब तो पहले ना तुम ई सी जी कराओ, तो असं गए जाके पर्ची बनाई, पर्ची बनाने तो बाद ई सी जी करवाई, फिर डॉक्टर रूम में चले गए, डॉक्टर बैठे से उन्होंने चेक किया तसली, तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, तो असं मेडिसिन लेके दें इंशाला जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो कुछ खुराक इन्होंने बेहतर करो, बाकी मेडिसिन खुआ, अगर दोबारा किसी भी टाइम मसला होंगे दिन होंगे रात होंगे या शाम किसी भी टाइम होंगे तुम आज सू चेक करा सकते हो। तो इस उन्होंने सू परफॉर्मा दी है जी, जरा उतो जाकर स्लिप बनवाई, स्लिप बनवा तो बाद जाकर डॉक्टर ने चेक करवाया, उन्होंने अगर ई सी जी वगैरह की थी, ई सी जी कराने बाद चेक कराया, चेक कराने बाद उन्होंने जी मेडिसिन वगैरह से सानू वो सिर्फ उन्होंने एक ही मेडिसिन दी है सानू, उन्होंने कहा तुम ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, अगर दोबारा हो अगर कोई ना खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होंगी या सुकून होंगे या कोई दिन ठहर के जिमें जो मसला होंगे ये तुम फाइल सारी जी गुम नहीं करनी, ਫਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ,
उन्होंने कहा फिर तुम एमरजेंसी जी जिसे लेके दीती इस्तेमाल कराओ, अगर दोबारा कोई भी मसला होंगे ठीक है फिर तुम आओगे फिर असं टेस्ट वगैरह करावे तो बाकी जो भी होंगे सूरत हाल उस मुताबिक असं दसा कि नैक्स टाइम की करना। फिर तुम एमरजेंसी इस्तेमाल करो ई सी जी देखने तो बाद ते उस तो बाद असं फिर उत्थे बिठाया कुछ देर काफ़ी देर तक अगर बैठे मेडिसन असं उत्थे पा देती सी असं क्या चलो कुछ दर्द कम होंगे है तो फिर असं घर लैके जाते हैं एक सर्दी बहुत ज़्यादा सी। हाँ नैस्ट की पानी बहुत असं उतों लाई टाइम काफ़ी ज़्यादा हालांकि असं जो उ पहुंचे उ 9 बज गए सी रात है ना सर्दियाँ सर्दियों वैसे भी बाद सर्दी बाद लोग नहीं करते लेकिन उत्थे बहुत ज़्यादा रश थी तो रशियालॉजी सेंटर दसिया शेयर नहीं कर सकती जिम्मे कि मैं दसिया कि उत्तर पाबंदी होनी कैमरे की तो बस फिर असं वापस आ गए हूँ कुछ तबीयत इन्हों की कुछ उन्नी भी बेहतर है बाकी हूँ इन्होंने आँधी सोफे तो पैगी तो कंबल ला लिया मैंने इतने पैन बैठ सैन ना ढोल ला के पवाना कि मैं सुकून आ गए क्योंकि जो शामी तो जा रहे थे मैं मेरा ना मोबाइल लै लो तो मैं मेरा ब्लॉग बना दो कहीं जरा तेरा ब्लॉग चढ़िया हुआ है ना बनया हुआ वा कहती अपलोड कर देना तो बाजी हूँ नहीं मेरी कहती हिम्मत ना तो मैं कहती जा बस चली बस मैं कि होया नहीं बस चली बस चली दस के नहीं गई मैंने दस के जाते चलो मैं पता हों मैं आप जाके आंटी वगैरह बना लेंदी जो कोई गल नहीं बच्चों के पेट भर के खाना खिलाना कि नहीं खिलाना बच्चों के खाने खाना होना बच्चों का की कसूर आ नहीं तो मैं सही सी मैं दसी हाँ इन्हें पसंद नहीं किया तो मैं दस दी ये दस दिन ना दस दिन तो गल छपा लेती है कि बाजी में परेशान होगी देखो जी अल्लाह तंदुरुस्ती देवे अल्लाह मियां सेहत देवे कोई इन्ना जरा सी इन्नी ज़्यादा उम्र तो नहीं है जी कि दिल का मसला होने वाले बने तो बहुत बड़ी गल नहीं बन भी जाता जिम्मे कि हम गफार का मसला वा बन ही जाता वा तो अल्लाह तला जो गफार में दुख हो तो अल्लाह तला किसी में दुख ना लगावे वैसे दुश्मन नहीं लगावे तो लेकिन ये उम्र नहीं देखिया जाए दुख तो आखिर दुख हुआ ना तो इस तरह भी ज़्यादा कोई मसला बन जाए रात में तो साढ़े को शुक्र है मुल्तान च सहूलत है फिलहाल ना कार्डियोलॉजी की बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट है अपने बच्चा जो माँ बाप अपने माँ अपने बच्चों संभाल भी है बाप भी नहीं संभाल सकता मावा का साया भी बाप का भी साया बहुत जरूरी है लेकिन मावा का साया मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी है क्यों माँ ने धो के पका के देना जो बाप उन्हें बेचारे ने बारह एक सिर्फ लैके आना अगर जो बच्चों ने अखरा आजाद सारा कुछ माँ की देखभाल करनी है तो माँ का भी साया बहुत जरूरी है ना बाप के संभालने के बच्चे ने ना माँ के गड्डी के संभालने के बच्चे ने दोनों नाल ही कहते ना गड्डी के दो पही है दोनों नाल ही चले तो बेहतर आ तो ये वास्ते यही दुआ करा अपने भैन भरावों अगर अपील करा कि आपके वास्ते एक सूसन दुआ करना अल्लाह ताला नूं सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे तो साढ़े वास्ते सब वास्ते तो असं अपने भैन भरावों दुआवें याद रखते हैं अल्लाह सुनने दे वाले जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।